सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, देखो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत बड़ी टेबल है तो उस टेबल को हम हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली रोटेट कैसे करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास चार पांच पेज की टेबल है। ये देखिए करीब चार पांच पेज की ये टेबल है। अब इस टेबल को हम हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली रोटेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऊपर आपको ये प्लस का साइन मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरी टेबल आप देखेंगे कि सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के बीच में कहीं पर भी कर्सर ले जाकर के राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है टेक्स्ट डायरेक्शन पे। ये रहा टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट डायरेक्शन का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इन तीन तरीकों से आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम राइट ओरिएंटेशन ले लेते हैं और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे सारे टेक्स्ट जो है वो राइट ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। अभी काम आधा हुआ है, अभी इसको हम कंटेंट के हिसाब से ऑटोफिट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सारे टेक्स्ट जो थे वो राइट ओरिएंटेशन में आ गए। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को दोबारा से सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर वही तरीका लेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कर देंगे और टेबल पूरी देखिए सेलेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी टेबल के बीच में कहीं पर भी फिर से कर्सर रख के राइट क्लिक करना है और इस बार हमें जाना है ऑटो फिट में। ये देखिए ऑटो फिट, और पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल जो है मतलब पूरी जो कंटेंट थे वो ऑटो फिट हो गए और आपकी जो टेबल पहले हॉरिजॉन्टल थी अब वो वर्टिकल हो गई। मैं ऊपर से नीचे तक ये देखिए पूरी टेबल यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। ये करीब 5 पेज की टेबल है। ठीक है, पूरी टेबल देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली रोटेट हो गई। ठीक है,